हेलो दोस्तों, पीवी इलेक्ट्रोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ टाटा 467 का जो कटआउट रेगुलेटर आता है दोस्तों, उसको चेक करने का सही तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसके कनेक्शन पहले मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इसका जो ये ब्रश होल्डर है, ओके दोस्तों, जो कि अल्टरनेटर में आपका यूज़ होता है कटआउट और ब्रश होल्डर। तो दोस्तों, ये जो कटआउट है इसके अंदर ऐसा बैठता है, ओके फ्रेंड्स। ये जो दो आप देख रहे हैं ना, ये इसके अंदर फंसता है इस तरह से। और दोस्तों, ये जो होल है ना, इस बोल्ट के अंदर दबता है, ओके फ्रेंड्स। तो अभी देखिए, मैं आपको पहले बताता हूँ इसको लगा के। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बैठता है फ्रेंड्स, ओके। तो इसका दोस्तों, ये जो रेड वायर वाला जो टर्मिनल देख रहे हैं दोस्तों, ये आपके रेक्टिफायर का जो मेन बोल्ट आता है दोस्तों, उसकी 467 की रेक्टिफायर प्लेट है, तो वहाँ पे बैठेगा आपका, ऐसे इसके अंदर बैठने वाला, ओके फ्रेंड्स। और ये जो ग्राउंड है दोस्तों, ये अल्टरनेटर के बॉडी के साथ ऐसे, मतलब आपको अभी मैं बताता हूँ, ये देखिए दोस्तों, इस तरह इसकी पोजीशन रहती है, ओके दोस्तों। तो ये जो ग्राउंड की वायर देख रहे हैं, तो आपकी यहाँ पे जो बोल्ट लगेगा उसके साथ कसेगी बॉडी के अंदर, ओके दोस्तों। और ये जो आउटपुट है दोस्तों रेक्टिफायर का, जो कि रेगुलेटर और रोटर के लिए निकलता है, ओके फ्रेंड्स। तो इसके अंदर ऐसे कसेगा, और ये जो पीले वायर देख रही, इसको यहाँ से इनपुट मिलेगा, ओके फ्रेंड्स। यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा, तो इस कटआउट को यहाँ से इनपुट देने वाले हैं, जो कि सिग्नल का होगा, जो कि हमारा रोटर जब भी घूमेगा तभी यहाँ से आपका आउटपुट निकलेगा, ओके यहाँ से। तो इसको इनपुट मिलेगा, तो इसको रेगुलेटर को पता चलने के लिए यहाँ से आपको इसके साथ कसना होता है, ओके फ्रेंड्स। तो जो सप्लाई निकलता है अपना रोटर के लिए, वो इसी के माध्यम से निकलता है, इसके डायरेक्ट आपको रोटर को निकलेगा और इसको इन होगा, ओके फ्रेंड्स, रेगुलेटर के लिए। अभी आपको इसको चेक करने का मैं तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अभी आप हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड और जो फील वायर है मेन की, ओके दोस्त। तो सबसे पहले आपको इसको देना है बॉडी के अंदर, ओके दोस्त, मतलब इसके ग्राउंड में, ओके दोस्त। यहाँ पे देना है आपको इसका ग्राउंड वाला वायर, और उसके बाद आपको एक टेस्ट लैंप लेना है उसका दोस्तों। एक वायर आपको मेन वाले वायर के साथ, एक जो वायर है उसको कनेक्ट कर लेना है, और दूसरी एक बची हुई जो वायर है फ्रेंड्स, इसको आपको यहाँ पे देना है दोस्तों। ये जो आउटपुट है वो ग्राउंड का है रोटर के लिए, ओके, जो कि इस ब्रश होल्डर से निकलता है आपका, इस वाले से, ओके, नीचे से। तो ये दोस्तों, ये जो है इसके साथ ऐसा कैसा होता है, ओके फ्रेंड्स। तो इसके माध्यम से आपके रोटर के लिए निकलेगा, जो कि कटआउट से होके निकलने वाला है, ओके। इसके मतलब बॉडी में दिया तो भी चलता है, ये पूरा दोस्तों अटैच रहता है, ये जो देख रहे हैं बॉडी के साथ अटैच है, ओके, जो कि रेगुलेटर के बॉडी के साथ, ओके फ्रेंड्स, ना कि अल्टरनेटर की। तो इसको देना है अपने बॉडी को, ओके। तो अभी जो मेन की वायर है दोस्तों, ये देखिए, इसको देंगे यहाँ, तो लाइट आपका जल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसका सही तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो आपका जो सही तरीका है दोस्तों, इस दोनों को आप लोगों को पहले मिलाना है, पहले हम इसको ग्राउंड देंगे, और उसके बाद यह ऐसे आपको आउटपुट मिलेगा इस बल्ब के लिए, जो कि ग्राउंड रहने वाला है, मतलब आपका रोटर के लिए। अभी मैं इसको बल्ब से, बल्ब के साथ जो अटैच कर लिया है वो यहाँ पे, तो इसको दोनों पे मिलाने के बाद आपको लाइट लगना चाहिए, ओके दोस्तों। ये देखिए, ये भी दोस्तों यहाँ पे जो दोनों पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ से तो मेन मिलने वाली है आपकी बैटरी की, ओके। और यहाँ से जब रोटर घूमेगा आपका, तो रेक्टिफायर रोटर घूमेगा, तो स्टेटर से मदद के, आपके स्टेटर की मदद से जो एसी सप्लाई बनेगा वो रेक्टिफायर में इन होगा। और ये जो डायोड है दोस्तों, तीन डायोड, इससे यहाँ से जो पॉइंट दोस्तों, जो रेगुलेटर आपका, सॉरी दोस्तों, ब्रश होल्डर के साथ यहाँ पे दोस्तों ऐसे अटैच रहता है, ओके दोस्तों, ऐसे, तो यहाँ से निकलेगा, तो वो सिग्नल है दोस्तों, वो भी मेन ही रहता है, लेकिन जब भी आपका रोटर घूमेगा तभी निकलने वाला है। तो दोस्तों, इन दोनों को मिलाने से आपका जो टेस्ट लैंप है दोस्तों, बल्ब, वो जलना चाहिए, ओके। और इसको देने के बाद इस दोनों को हम देंगे, तो थोड़ा सा बढ़ना चाहिए दोस्तों, ये देखिए आप देख सकते हो वीडियो, जैसे मैं इसको मेन दे रहा हूँ तो थोड़ा सा बढ़ रहा है, ओके फ्रेंड्स। तो इसका यही तरीका है चेक करने का, ओके फ्रेंड्स। पहले आपको इसको ग्राउंड देना है, उसके बाद जो आउटपुट निकलेगा यहाँ से, इस पत्ती में से निकलता है, तो इसको आपको एक जो टेस्ट लैंप की जो ग्राउंड वाली वायर है वो लगानी है, और एक मेन यहाँ पे कर दिए मेन वाली वायर में जो टेस्ट लैंप की है, और जो कि कटआउट की दोस्तों, एक मेन जो रेक्टिफायर के बोल्ट में लगती है दोस्तों इस तरह से, और जो एक आपकी लगेगी इस ब्रश होल्डर के अंदर, तो इसको आपको ऐसे करना है, ओके फ्रेंड्स। तो ऐसे करने के बाद आपको जो लाइट है वो जलना चाहिए, और ऐसे सप्लाई देने के बाद बंद होना चाहिए, ओके फ्रेंड्स।
और एक मैं आपको इसका तरीका बताने वाला हूँ, ये आपको इतना डिटेल्स में कोई समझाता नहीं फ्रेंड्स। ये देखिए दोस्तों, इसको आपको सीरीज़ में मैंने जो 3 होल्ड है अपने, जो अपने इसका 1.5 होल्ड का जो बैटरी आता दोस्तों, वो मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया है। इसका दोस्तों जो प्लस वाला पॉइंट है, ये ऐसे एक आउटपुट ले लिया है, जो माइनस वाला है इसके प्लस के साथ अटैच कर लिया है, और ऐसे ग्राउंड का आउटपुट ले लिया। मतलब ये दोस्तों ये जो सिग्नल है अपना 3 वोल्ट का हो गया है। तो आपको क्या करना है, जो ग्राउंड वाला वायर है दोस्तों इसका, वो आपको बैटरी के मेन में देना है। ओके फ्रेंड्स, तो मतलब अपना सीरीज़ का ये जो बैटरी के 12 वोल्टेज और ये सीरीज़ में 3 वोल्टेज, मतलब 15 वोल्टेज का यहाँ पे सिग्नल हो गया, वो आपको यहाँ पे देना है। तो लाइट आपका बंद हो जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, अपना लाइट आप देख सकते हैं बंद हो गया है। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैं इसको सप्लाई दूंगा तो लाइट आपका बंद हो जाएगा, और 12 वोल्टेज का जब भी सप्लाई देंगे तो अपना जो लाइट है थोड़ा बढ़ना चाहिए फ्रेंड्स। ये देखिए लाइट आपका थोड़ा बढ़ेगा। ये देखिए, जैसे 15 वोल्टेज का ऐसे सिग्नल देखिए इस बैटरी में से होके, 2 बैटरी में से होके, तो आपका लाइट बंद होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कौन सा भी रेगुलेटर होता तो उसका जो लाइट है वो 14.5 के ऊपर वोल्टेज जाने के बाद वो आपका रोटर के लिए सप्लाई निकलना बंद कर देता है। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।